भोजपुरी के जाने माने स्टार पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक की अर्जी फाइल की है। मामला कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कोर्ट पहुंची। पूरे मामले पर ज्योति के वकील ने कहा कि पवन सिंह ने तलाक की अर्जी फाइल कर दी है। दोनों के बीच काफी विवाद होता था। गौरतलब है कि पवन सिंह की पत्नी ने पवन सिंह पर मारपीट करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। वहीं ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे ने बताया कि पवन सिंह ने अपनी पत्नी का दो बार अबॉर्शन करवा दिया है। दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं है। कोर्ट से अपील की गई है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और निपटारा किया जाए। जो इंटीम मेंटेनेंस के लिए पिटीशन दाखिल किया, कोर्ट से मांग किया कि इंटीम मेंटेनेंस हम लोग को दिया जाए। कोर्ट ने सुनवाई किया, सुनवाई करने के बाद एक शॉर्ट डेट का भी हम लोगों ने प्रयास किया। और क्या आवेदन पवन सिंह की तरफ से दिया गया? डिवोर्स का आवेदन दिए हुए हैं, छोड़ने के लिए आवेदन दिए हैं। और जो उनकी पत्नी के पक्ष से क्या कहा गया है आप लोगों से कि क्या तलाक क्यों मांगा जा रहा है उनसे? वो तलाक मांगने का बात है, दोनों में कोई पटरी उटरी नहीं बैठ रहा है, दोनों में विवाद होते रहता है, इसी विवाद को लेकर वो डिवोर्स फाइल की। क्रुएल्टी की भी बात कही जा रही है? क्रुएल्टी की बात है, क्रुएल्टी की भी बात है। अत्याचार करते थे, शादी ब्याह करने के बाद मारपीट करना, गाली गलौज करना, दो दो बार प्रेगनेंसी रहा, दोनों बार एबॉर्शन उसका कराती है, इस सब बात है, क्रुएल्टी की बात। डीएनटी न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।